बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस की जांच पर विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार लगातार अरंगे लगाते हुए दिख रही है। महाराष्ट्र सरकार को इस बात से आपत्ति है कि आखिर यह केस सीबीआई को क्यों सौंप दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार स्पष्ट कर देना चाहती है कि यह केस मुंबई पुलिस ही जांच कर रही है, वही जांच करेगी। इस वक्त महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी पेच फंसाया है, उसकी चर्चा हम आपको बताते हैं आगे, लेकिन इससे पहले यह जानना जरूरी है कि यह विवाद क्यों है। विवाद इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़े किए हैं कि सुशांत केस की जाँच का ज्यूरिडिक्शन किसके पास है। क्या यह जांच सीबीआई कर रही है या मुंबई पुलिस कर रही है या फिर ईडी के हवाले इस जांच को कर दिया गया है, इसे लेकर के सबसे जवाब मांगा गया है और 18 अगस्त को इस पर फिर से सुनवाई की बात कही गई है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उन्होंने अब तक सुशांत केस में जितनी भी जांच हुई है मुंबई पुलिस के द्वारा, उस सभी जांच रिपोर्ट को एक बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में सौंप दिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने सारे नियम कानून को ताक पर रखते हुए कदम उठाए जिस पर उन्हें एतराज़ था। उनका कहना है महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो तर्क दिए जा रहे हैं उसके मुताबिक बिहार पुलिस को सिर्फ और सिर्फ सुशांत केस में 0 FIR दर्ज करने का हक था नियम के मुताबिक, और 0 FIR दर्ज करने के बाद यह केस मुंबई ट्रांसफ़र करना चाहिए था। लेकिन बिहार पुलिस ने सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती समेत कई लोगों पर FIR दर्ज करने के बाद सीधे मुंबई पहुंचती है और जांच शुरू करना चाहती है, जिसे मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार इतराज़ जताते हुए यह कहती है कि बिहार पुलिस के पास जाँच का अधिकार नहीं है। उसके बाद काफ़ी पैंतरे भी वहाँ पे दिखाए गए, बिहार पुलिस को परेशान करने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, जो पटना के सिटी SP जांच अफसर बन के वहाँ गए थे उन्हें भी क्वारंटीन कर दिया गया और इस जांच को लगातार रोकने की कोशिश की गई और मुंबई पुलिस को सुप्रीम बताने की कोशिश की जाती रही महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। वहीं अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की बात कर लें तो उनके तर्क कुछ और हैं। उन्होंने यह कहा है कि CBI जाँच का अधिकार कैसे मिल सकता है जब यह केस बिहार से संबंधित नहीं है, तो बिहार सरकार कैसे CBI जांच के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा कर सकती है और कैसे केंद्र सरकार CBI जांच के आदेश दे सकती है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने चौंकाने वाली बात यह कही है कि मुंबई पुलिस ने सुशांत केस में ADR दर्ज किया था। ADR मतलब एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, जो खुदकुशी का मामला नहीं बनता है। तो यह मामले की जांच CBI को नहीं दी गई है, CBI इस पर जांच नहीं कर रही है, यह जांच मुंबई पुलिस ही कर रही है। फिर CBI क्या जांच कर रही है सुशांत केस में, यह अपने आप में फिर से सवाल उठने लगा है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब सवाल खड़े किए हैं कि यह जाँच किसके जिम्मे है, ED जाँच कर रहा है या CBI जाँच करेगी या फिर मुंबई पुलिस के पास ही रहेगा। सबसे जवाब मांगा गया है आज फिलहाल महाराष्ट्र सरकार की ओर से जवाब दे दिया गया है, लेकिन 18 अगस्त को इस मामले में सुनवाई फिर से होगी, फिर तय किया जाएगा ज्यूरिडिक्शन किसका है। वैसे सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक CBI जांच पर रोक नहीं लगाई है। इसका मतलब यह स्पष्ट हो जाता है कि CBI अपना काम करेगी, ED अपना काम करेगा। लेकिन अब यहां से सवाल यह उठने लगा है कि आखिर महाराष्ट्र सरकार को आपत्ति क्यों है। महाराष्ट्र सरकार यह आपत्ति बार बार क्यों जता रही है कि बिहार पुलिस जांच नहीं करेगी, ED की एंट्री नहीं हो सकती, CBI की एंट्री नहीं हो सकती, तो फिर मुंबई पुलिस ही अगर जांच कर रही है तो 56 दिनों में 60 दिनों में अब तक क्या जाँच हुए हैं। यह मीडिया की सुर्खियों में है कि मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने इस फाइल को बिना किसी नतीजे पर पहुंचे हुए बंद करने की कोशिश शुरू कर दी थी। इसमें सबसे बड़ा खेल यह भी सामने आया है, जो रिया चक्रवर्ती के कॉल डिटेल से यह सामने आया है कि बांद्रा DCP अभिषेक त्रिमुखे भी रिया चक्रवर्ती से टच में थे, वे लगभग 4 से 5 बार उनसे बात किए थे। इस पर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर रिया चक्रवर्ती के साथ इनकी बातचीत के मतलब क्या हैं, इसके मायने क्या हैं। तो कहीं मुंबई पुलिस कहीं इसमें मिली भगत तो नहीं है मुंबई पुलिस की, कोई केस की लिपापोती करने की कोशिश तो नहीं हो रही है, कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। और अब महाराष्ट्र सरकार द्वारा नए पेंच फंसाने पर भी यह चर्चा आम हो गई है कि आखिर सुशांत केस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए
सीबीआई जांच को क्यों रोकना चाहती है महाराष्ट्र सरकार? आखिर बार बार पेंच क्यों फंसा रही है? कहीं कोई दाल काला है या कुछ गड़बड़ है? ये जानना बहुत ज़रूरी है और सच का भी आना बेहद ज़रूरी है सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस मामले में। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने जो नया पेंच फंसाया है, देखना होगा कि उसका असर क्या होता है। सुशांत केस से जुड़े तमाम अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, और भी नई जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए beforeprint.in। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।